नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द की पॉइंट्स यूट्यूब चैनल। और अभी क्लास चल रहा है झारखंड सामान्य ज्ञान का, और झारखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज हम जानेंगे झारखंड में सिंचाई के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कि और देखते हैं कि झारखंड में सिंचाई की क्या व्यवस्था है तथा किस सिंचाई के पानी के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है। तो पहला पॉइंट है झारखंड से सिंचाई से संबंधित। झारखंड में कुल कृषि भूमि का 23% ही सिंचित क्षेत्र है। टोटल कृषि योग्य भूमि का सिर्फ 23% ही सिंचित भूमि है। पिछले क्लास में हमने देखा था कि झारखंड में कुल कृषि भूमि कितनी है, कुल क्षेत्रफल का 32% है। तो 32% जो कृषिगत भूमि है उसमें से 23% ही सिंचित क्षेत्र में आता है। तो ये सिंचाई किस तरह से के पानी से की जाती है उसके बारे में जानते हैं। तो 58.3% भाग जो है वो सतही भूमि से तथा 41.7% भाग जो है भूमिगत जल से सिंचित होता है। तो सतही भूमि का जल किसको कहते हैं, जैसे नदी तालाब पोखर हुआ जो जमीन के ऊपर है पानी बहता है उसको सतही जल कहते हैं। तो सतही जल से कितने परसेंट भूमि का सिंचाई होता है, 58.3%। और भूमिगत जल किसको कहेंगे, जो ज़मीन के अंदर से जिस पानी को निकाला जाता है जैसे नलकूप और कुएं से निकाला जाता है, तो जो भूमिगत जल से सिंचाई की जाती है उसका परसेंटेज है 41.7%। दोस्तों इस टॉपिक में मुख्य है डाटा, जितने भी परसेंटेज ये सारे दिए गए हैं वो याद रखने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इस सिंचाई के क्षेत्र से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो डाटा से ही होता है। तो इसके बाद हम जानते हैं कि झारखंड में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं। तो जो झारखंड में प्रमुख सिंचाई का साधन है वो है कुआं। तो कुआं झारखंड में कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं का योगदान 29.5% है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, जितने भी डाटा बताया जा रहा है एग्जाम में हमेशा यही पूछा है कि झारखंड में कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं का योगदान कितना है, 29.5%। तो इसके बाद हमें जानना है कि कौन से ज़िले में कुएं से सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो कुओं द्वारा सिंचाई में गुमला जिला का प्रथम स्थान है, कुओं द्वारा सिंचाई में गुमला का प्रथम स्थान है। और कितने कुल कृषिगत भूमि का 87.2% जो भाग है कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है। गुमला जिला में 87.2% कृषिगत भूमि की सिंचाई कुओं द्वारा की जाती है। तो कुओं यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से ज़िले में सर्वाधिक सिंचाई कुएं से होती है तो उसका आंसर हो जाएगा आपका गुमला जिला। उसके बाद दूसरे स्थान पर है गिरिडीह तथा तीसरे में रांची। तो ये दो तीन नाम याद रखिएगा, गुमला फर्स्ट में है, गिरिडीह सेकंड में, थर्ड में रांची। दोस्तों इसके बाद जो झारखंड का प्रमुख सिंचाई का साधन है वो है तालाब। तो तालाब में क्या क्या होता है इसके बारे में जानते हैं कि राज्य में कुल सिंचित भूमि का 18.8% भाग में तालाब द्वारा सिंचाई की जाती है। कुओं के बाद स्थान आता है तालाब का, और तालाब से कितने परसेंट भूमि में सिंचाई होती है, 18.8%। तो ये हुआ तालाब से सिंचाई का क्षेत्र। उसके बाद जानते हैं कि तालाब द्वारा सिंचाई की दृष्टि से झारखंड में प्रथम स्थान कौन से ज़िले का है, मतलब सवाल पूछा जाता है कि झारखंड के किस ज़िले में सर्वाधिक सिंचाई तालाब से की जाती है। तो उसका उत्तर हो जाएगा देवघर जिला। देवघर जिला में सर्वाधिक तालाब है, और कितने 49.3% भाग कुल कृषिगत भूमि का तालाब द्वारा सिंचाई की जाती है। दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि अगला झारखंड में सिंचाई के साधन क्या है। तो अगला है नहर। झारखंड में कुल सिंचित भूमि का 17.13%, ये भी याद रखिएगा, सिंचित नहर से कितना 17.13% भाग पर नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। और इसके बाद हमें जानना है कि नहरों द्वारा किस जिले में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां
सिंहभूम तथा सरायकेला खरसवां जिले में नहरों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। दोस्तों इसका रीजन भी बता देता हूँ कि सिंहभूम तथा सरायकेला खरसवां में नहर से क्यों सिंचाई की जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बृहत नदी घाट बांध परियोजना चल रही है जिसका नाम है चांडिल डैम, और उसी डैम की वजह से सिंहभूम तथा सरायकेला खरसवां क्षेत्र में नहरों से इतनी सिंचाई हो पाती है। दोस्तों झारखंड का अगला सिंचाई का जो साधन है वो है नलकूप। तो जानते हैं नलकूप से किस प्रकार सिंचाई होती है और कितना प्रतिशत भाग सिंचाई होता है। तो झारखंड के कुल सिंचित भूमि का 8.4% भाग नलकूप से की जाती है। नलकूप से कितनी सिंचाई की जाती है? 8.4%। तो दोस्तों झारखंड में सिंचित भूमि का 8.4% भाग नलकूप से की जाती है। दोस्तों इसके बाद हमें जानना है कि कौन से ज़िले में नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई किस ज़िले में होती है। तो उसका उत्तर हो जाएगा लोहरदगा। लोहरदगा में सर्वाधिक ज़िले में नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई होती है। दोस्तों इसके बाद हम जानते हैं झारखंड में कौन कौन सी सिंचाई की परियोजना चल रही है। तो इसको तीन कैटेगरी में, सिंचाई परियोजनाओं को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है बृहद सिंचाई परियोजना, दूसरा माध्यम सिंचाई परियोजना तथा तीसरा है लघु सिंचाई परियोजना। तो हम जानते हैं कि बृहद सिंचाई परियोजना किसको कहते हैं, जिस परियोजना के तहत 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था हो। तो बृहद सिंचाई परियोजना की उसकी परिभाषा या उसका क्राइटेरिया क्या है कि 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई होना जरूरी है। तो ऐसे सिंचाई परियोजना को हम क्या कहेंगे, बृहद सिंचाई परियोजना। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हम जान लेते हैं कि बृहद सिंचाई परियोजना में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से परियोजना बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आते हैं। तो पहला है स्वर्णरेखा परियोजना, इसको पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया था। उसके बाद कोनार बराज है, उत्तरी कोयल परियोजना जो पलामू में है, उसके बाद गुमानी जलाशय परियोजना दुमका में है तथा पुनासी जलाशय परियोजना ये भी दुमका में है। तो इतनी सारी परियोजनाओं को बृहत सिंचाई परियोजना कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं माध्यम सिंचाई परियोजना। तो माध्यम सिंचाई परियोजना किसको कहते हैं, जो 10,000 हेक्टेयर से कम भूमि की सिंचाई जिसमें की जाती है, 10,000 से कम भूमि की जिसमें सिंचाई की जाती है उसको माध्यम सिंचाई परियोजना कहते हैं। तो माध्यम सिंचाई परियोजना में कौन कौन से परियोजना आते हैं इसके बारे जानते हैं। एक है तोराई बराज, दूसरा है सोनुआ बराज और एक है पतरातु सिंचाई परियोजना। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। वैसे देखा जाए तो टोटल जो झारखंड में परियोजनाएं लाई गई थी माध्यम सिंचाई परियोजना, उसमें टोटल 886 परियोजनाएं लागू हैं जिसमें 602 कार्यरत हैं। तो उतना हम नाम नहीं लिखे, कुछ जो प्रमुख हैं तोराई बराज, सोनुआ सिंचाई परियोजना तथा पतरातु आदि। इसके अलावा और 602 माध्यम आकार के सिंचाई परियोजना झारखंड में कार्यरत हैं। दोस्तों अगला जो सिंचाई परियोजना का प्रकार है वो है लघु सिंचाई परियोजना। तो लघु सिंचाई परियोजना किसको कहते हैं, वैसे सिंचाई परियोजना जिसमें 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र को कवर करता हो, जिसमें 2000 से हेक्टेयर से कम क्षेत्र का सिंचाई होती हो उसको लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। तो इसमें क्या आते हैं, कौन कौन से आते हैं, तो छोटे जलाशय आते हैं जिसमें तालाब या जिसको चेक डैम कहते हैं, जो छोटा सा नाला में डैम बनाया जाता है उस टाइप के सिंचाई परियोजना आते हैं। इसके अलावा नलकूप कुआँ आदि लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में आपने जाना झारखंड के सिंचाई परियोजना तथा सिंचाई के साधनों के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल द की पॉइंट्स से जुड़े रहें, और उससे जुड़े रहने के लिए क्या करना है आपको तो पता ही होगा, तो सब्सक्राइब बटन को दबाइए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि
यहाँ पर हर तरह के कंपटीशन के वीडियो आते रहते हैं, और अभी खास करके झारखंड से संबंधित जितने भी कंपटीशन की परीक्षाएं हैं उससे संबंधित क्लासें चल रही हैं, खासकर झारखंड उत्पाद सिपाही तथा जो विशेष शाखा कांस्टेबल हैं उसके लिए विशेष रूप से क्लास चलाई जा रही है। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाएँ ताकि इस फ्री क्लास का फ़ायदा सब उठा सकें। धन्यवाद।